ये एक बेल है जिसका बिहार में होती है ये। ये देखिए इसके इस टाइप के पत्ते हैं, ये तीन तीन के सेट में है, ये तीन पत्ते एक साथ होते हैं। और ये बेल बिहार में होती है, इसका नाम कवचवा, जिनसे मैंने पूछा, बिहार की एक लेडी हैं तो उन्होंने बोला इसको कवचवा बोलते हैं। अब ये बेल जो है इसका हिंदी या कुछ और नाम होता होगा जो मुझे नहीं मालूम है, नेट पे सर्च करेंगे तो शायद पता पड़ पाएगा। मैं इधर आई थी किसी के यहाँ, तो वहाँ पर ये बेल लगी हुई है, ये छत तक पहुँच रखी है और ये कम से कम 3-4 साल पुरानी है। मैंने देखी थी ये जब उन्होंने लगाई थी, तो ये कई साल पुरानी बेल है। और अब इसके अंदर ये इतनी बड़ी हो गई है पूरा, और इसमें ये फलियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये गुच्छे के रूप में ये इसमें लगी हैं। अब ये जो फलियाँ इसमें लगी हैं ना, ये इस पर बेल की अंगूर के गुच्छे की तरह लटकी हुई हैं ऐसे। ये मैंने इसमें से एक तोड़ के भी रखा है, ये देखिए, ये इस शेप में ऊपर जो आपको दिख रही हैं, ये एक तरफ फली हैं, एक मटर के टाइप की दिख रही है ऊपर से तो ये। और इसको मैंने तो कभी खाया नहीं है, इसको ऐसे जब खोलते हैं तो इसके अंदर ये बीज हैं, जैसे सेम के बीज होते हैं सेम टाइप के इसमें बीज हैं ये। और इसके ऊपर में ये बहुत ब्लैक कलर के हल्के हल्के से रोएं टाइप के हैं ये इसको छीलते हैं और इसके अंदर का जो गुदा है उसको सब्जी बनाते हैं ये। इसमें लगी हैं बहुत सारी, देखिए यहाँ से हमने इसको तोड़ा है और ये इसमें और भी गुच्छे गुच्छे के जैसे लगी हैं, सबसे बहुत बहुत सारी। ये सीजन है इसका, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, छप्पर के ऊपर पूरे लगे हैं यहाँ पर, कितने सारे लटके हैं इसमें। एक एक गुच्छे में करीब 20-25 लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं इसमें। देखते हैं इसकी सब्जी कैसी बनती है। आपको अगर इसका कोई और नाम पता हो या इसके बारे में कोई और जानकारी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी और बाकी सबकी भी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इसका कोई ना कोई नाम तो होगा, हर जगह हम किसी किसी अलग नाम से चीज़ों को बुलाते हैं। ये बेल है एक कवचवा, इसका नाम मुझे अभी तक जो पता चला है। साथ में सेम की बेल चढ़ी हुई है, पर इसके बहुत बड़े साइज के पत्ते हैं इस वाली बेल के। देखिए पत्ते का साइज बहुत ही बड़ा है। तो आज हम कवचवा की बनाएंगे सब्जी और देखते हैं क्या होता है, कैसी रहती है।